गए उधर, एक दो आदमी आए दुकान पे, एक आदमी को लेके गए सिलमेंट दिखाने, दूसरा आदमी आके रेट में से पैसा निकाल के बस चला गया। लेकिन दोनों लोग आए तो आपसे क्या कहे, बात हुई आपकी? जी बात हुई, बोले सिलमेंट चाहिए, सिलमेंट दिखाइए, और हम एक को दिखाने चलेंगे। एक आदमी आया रेट में से पैसा निकाल के चला गया, लेके भाग गया। मैं बाहर खड़ा था, अंदर बैठा था। अच्छा, दुकान के अंदर? जी। फिर क्या हुआ? फिर एक आदमी को हमने सिलमेट दिखाने लेके गए, दूसरा आया मेरे रेख में से पैसा निकाल के लेके चला गया। तो आपको कब जानकारी हुई? जी जब वो दोनों लोग मोटरसाइकिल लेके चलेंगे तब। तो फिर आपने क्या किया? तुरंत हमने मालिक को सूचना दिया। क्षेत्र में स्थित ग्राम तुरकौली में अशोक सिंह की एक सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान है। आज वहाँ पर बाइक से दो व्यक्ति सीमेंट खरीदने के लिए आए, और दुकान पर जो मुनीम थे रज्जन से, उन्होंने सीमेंट देखने के लिए कहा तो रज्जन ने बगल में स्थित गोदाम में एक व्यक्ति को सीमेंट दिखाने लगा, और इसी बीच दूसरा व्यक्ति जो वहाँ पर दुकान पर खड़ा हुआ था वो उसके कैश बॉक्स से 70,000 रुपया ले करके चुपचाप रख लिया। और जब रज्जन ने सीमेंट गोदाम से सीमेंट दिखा करके दूसरे व्यक्ति को ले आए दुकान पर, तो दोनों ने रज्जन से कहा कि कल सीमेंट के लिए आएंगे और ख़रीद करके ले जाएंगे। इसके बाद जब वो दोनों चले गए तो कुछ समय बाद रज्जन ने अपना कैश बॉक्स देखा तो उसमें से उसका 70,000 रुपया गायब था। इस पर उसने प्रारंभ में लूट की सूचना दे दी थी, किंतु बाद में तहकीकात करने पर ये उसने बताया कि मैंने लूट की झूठी दी थी और हमारा 70,000 रुपया दूसरे व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में थाना नवाबगंज में चोरी का अभियोग पंजीकृत करके अभियोग का अनावरण किया जा रहा है।